नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में लोग 30 सितंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम यहाँ पर रोजाना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और क्लास से जुड़े नोट्स और PDF आपको इंस्टा मौज पर मिल जाएंगे। दोस्तों, प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनसे जुड़े सारे लिंक मिल जाएंगे, साथ ही इस एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट अजय साहू टाइप करके हमें सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप एक बार आईना देख लीजिए। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि आप और केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं। आप अपनी मेहनत पे विश्वास करिए और हमेशा सकारात्मकता से घिरे रहिए और ऐसे लोगों के बीच ही रहिए जो निगेटिविटी से दूर रहे। तो अपनी आदतों को सुधारिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का सवाल हम देख लेते हैं। कल का सवाल था कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार अर्थात एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। आपको ये बताना था कि ये जो है किस धारा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 497, और आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। इसी तरह आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए और अंत में हम जो आपसे सवाल पूछते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए। देखिए दोस्तों, इसके तहत अब क्या हो गया है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ किसी और हस्बैंड अगर किसी और लड़की से एक महिला से रिलेशन रखता है, या उसकी वाइफ किसी और अलग लड़के से रिलेशन में रखता है, तो अब वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। हाँ, बस ये है कि अगर ये हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई अगर किसी एक को चीट कर रहा है, या ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है या वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है, तो उन दोनों में से एक को, अगर किसी एक को पता चल जाता है कि इनका रिलेशन जो है, मेरे हस्बैंड का रिलेशन किसी और के साथ है, तो उस बिना पे वो सिर्फ तलाक की अर्जी कर सकता है, उस बिना पे वो तलाक ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसको जेल नहीं भिजवा सकता और दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको समझना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 7वीं बार एशिया कप जीत लिया है। आपको ये बताना है कि इस सीरीज में किसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है शिखर धवन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। भारत ने 28 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप के खिलाफी मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर 7वीं बार एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया है। मैन ऑफ द मैच बांग्लादेश की तरफ से शतक लगाने वाले लिटन दास को मिला, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट शिखर धवन को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, शिखर धवन को मिला। टूर्नामेंट में 5 इनिंग्स में इन्होंने 342 रन बनाए, तो इसलिए इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से नवाजा गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 800 डिसमिसल करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई विकेट कीपर बन गए हैं, और इस मामले में शीर्ष पर कौन है, मार्क बाउचर 998 है इनका, और एडम गिलक्रिस्ट है 905 के साथ तीसरे स्थान पे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय रेलवे की रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, ये किया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से भारतीय रेलवे की रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के देश की रेल धरोहर से रूबरू कराने के उद्देश्य से दुनिया के इस हिस्से में अपनी तरह का ये एक प्रथम ऐतिहासिक प्रयास है। इसे गाथा बयां करने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सुलभ कराया जाएगा, मतलब इसे ऑनलाइन जो है प्रदर्शित किया जाएगा। 6 अप्रैल 1853 में आप सभी को पता होगा कि भारत में पहली बार ट्रेन चला था मुंबई से ठाणे के बीच, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले मकई महोत्सव की शुरुआत की।
तो दोस्तों ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का पहला मकई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। त्यौहार एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े मकई उत्पादक राज्यों में से एक है। छिंदवाड़ा सबसे सर्वाधिक मक्का उत्पादन राज्य है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये हो रहा है। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। और आनंदी बेन पटेल के संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल बलराम दास जी टंडन का निधन हुआ, तो उनके बाद इनको छत्तीसगढ़ का जो है राज्यपाल का कार्यभार भी सौंपा गया है। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, और सबसे ज़्यादा एरिया जो है कर्क रेखा का इसी से होकर गुजरती है। मतलब अगर कर्क रेखा ऐसे जा रहा है तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ कवर करता है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा, और सबसे कम करता है राजस्थान में। तो इन दो चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। पहला कौन सा है? राजस्थान है। सतपुड़ा पर्वत जो है उसे मध्य प्रदेश में महादेव कहा जाता है। नर्मदा और तापी ये दो नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। साथ ही ये दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब ये डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती। इसका क्या आशय है कि ये जो नदी है सीधे निकल जाती है, और डेल्टा कैसे बनता है, ये नदी अगर बिखर जाती है तो डेल्टा बनाती है, लेकिन दलदली इलाकों में ये सारी चीज़ें होती है। और ये नर्मदा और तापी क्या करती है, अगर कोई इसके जगह में, इसके रास्ते में कोई ठोस पर्वत या चट्टान भी आता है तो उसको सीधे ये वहाँ पे रास्ता बनाते हुए सीधे ही निकल जाती है। इसे कहते हैं भ्रंश घाटी से होकर बहना। बायोस्फीयर कौन कौन सा है यहाँ पे? पन्ना, पंचमढ़ी और अमरकंटक बायोस्फीयर है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लू रिव्यू अभियान। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आवास और शहरी मंत्रालयों मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालय का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान लू रिव्यू शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो अभियान का नाम जो है लू रिव्यू, और किसके साथ साझेदारी की है, गूगल के साथ। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। बाकी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, अगर भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे और देख लेते हैं। यह अभियान लोगों को अपने अपने शहरों में गूगल मैप सर्च और द असिस्टेंट पर सार्वजनिक शौचालय का पता लगाने के लिए दी जाने वाली सुविधा का एक हिस्सा है। मतलब आप गूगल मैप के जरिए से कहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है वो आप ढूंढ सकते हैं। इन पर लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, मतलब वो शौचालय कितना अच्छा था, कितना बुरा था, इस तरह वो फीडबैक भी दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। भारत में 500 से अधिक शहरों में गूगल मैप्स पर SBM टॉयलेट का नाम टॉयलेट नाम से 30,000 से अधिक शौचालय देखे जा सकते हैं। अभी देश के 3,400 शहरों को खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त है। खुले में शौच से मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को मिलाया जाए तो टोटल है 24। और स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था कब? 2 अक्टूबर 2014 को। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कब वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया? तो दोस्तों प्रतिवर्ष वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, वर्ल्ड हार्ट डे हर वर्ष 29 सितंबर को होता है, और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और दिल की बीमारी और स्ट्रोक समेत कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ये मंच है। इसे 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा वार्षिक आयोजन के रूप में लॉन्च किया गया था। तो कब से शुरू हुआ है? 2000 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छठवां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे चीन के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है अगला राजदूत चीन के लिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार म्यांमार के लिए
भारत के राजदूत विक्रम मिश्री को चीन के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री मिश्री 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा यहाँ का रेनमिनबी, ठीक है, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जी जिनपिंग। तो ये सारी चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक, ये बैंक की गलती से यहाँ पे बैन हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, किस बैंक को नई शाखाएं खोलने से रोक दिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंधन बैंक। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने बंधन बैंक को नई शाखाएं खोलने से रोक दिया है और शेयर होल्डिंग नियमों के बाहर आने में विफलता के कारण बैंक के सीईओ वेतन को कम करने का भी आदेश दिया है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार देश में कुछ हिस्सों में इसकी 937 937 शाखाएं हैं। बैंक का परिचालन 2015 से शुरू हुआ है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है। 2015 से शुरू हुआ था यह। 2001 में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में शुरू हुआ। 2014 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। तो इन तमाम बातों को भी आप याद रखिएगा। मुख्यालय तो कम से कम याद रखिएगा, ये कोलकाता में है और ये नवीनतम बैंक था, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आठवां प्रश्न है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस अमिताव राय समिति, तो आपको ये बताना था कि इसका गठन का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब है जेल सुधार। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जेल सुधार के लिए जस्टिस अमिताव राय समिति का गठन किया है। यह समिति जेल की मुख्य समस्याओं का अध्ययन करेगी। इस समिति को महिला कैदियों के अल्पसंख्यक अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य का देखभाल करेगी और इस समिति से जेल में होने वाली हिंसा के कारण का पता लगाया जाएगा और जेल में अप्राकृतिक मृत्यु जो होती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके जेलों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस समिति को 1 वर्ष के भीतर डाटा संकलन पूरा करने के लिए कहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सरकार ऐसी योजना लॉन्च कर रही है जिसके तहत बायोगैस प्लांट में गैस तैयार करके सरकार बेचा जा सकेगा, सरकार को बेचा जा सकेगा। तो इस योजना का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यहाँ पे देखते हैं, ये ऑप्शन बी, ठीक है, सतत इसका नाम है। चलिए देख लेते हैं। जल्द ही सरकार सतत योजना लॉन्च करने जा रही है जिसके तहत बायोगैस प्लांट में गैस तैयार करके सरकार को बेचा जा सकेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑयल कंपनी के साथ मिलकर सस्ते परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प के तौर पर सतत नाम की योजना लॉन्च करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्षमतावान एंटरप्रेन्योर्स को कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस योजना के जरिए सरकार सस्ता वाहन ईंधन को मुहैया कराएगी और साथ ही कृषि अवशेषों का सही इस्तेमाल यहाँ पे होगा और पशु मल तथा शहरी कचरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकेगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है। हाल ही में प्रसिद्ध इंद्र यात्रा त्यौहार किस देश में शुरू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है नेपाल में। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंद्र यात्रा त्यौहार का आरंभ नेपाल की राजधानी काठमांडू में आनंद व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस 8 दिवसीय त्यौहार को वर्षा और अच्छी फसल के देवता इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार को मानसून की समाप्ति तथा फसल कटाई व त्यौहार के आरंभ को दर्शाता है। इस त्यौहार के मुख्य आकर्षण रथ यात्रा तथा पारंपरिक नृत्य होते हैं। यह यात्रा ऐतिहासिक बसंतपुर दरबार स्क्वायर से शुरू होता है। नेपाल, देखिए यहाँ पे आपको नेपाल दिख जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, ठीक है। और नेपाल के फ्लैग ध्यान से देखिए, नेपाल के जो झंडा है, ठीक है, फ्लैग है, वो पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगल नहीं है, कुछ इस तरह का शेप का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार हम देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व पर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें 350 से अधिक विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर निदेशकों ने भाग लिया। भारत में नकली दवाओं की बढ़ती समस्या से लड़ने के लिए नीति आयोग और ओरेकल ने ब्लॉकचेन वितरित खाता धारक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वास्तविक दवा आपूर्ति श्रृंखला का संचालन करने के लिए एक आशय का कथन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्रालय ने 28 सितंबर को कहा कि देश भर में 1 अक्टूबर से 20वीं पशुधन गणना शुरू होगी और इनके नस्लों के विवरण को एकत्रित किया जाएगा, जिससे नस्ल सुधार के लिए नीतियां तैयार करने में मदद मिलेंगी। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ 2018 से 22 के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर 28 सितंबर 2018 को हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। रोहिंग्या संकट के चलते कनाडा ने म्यांमार के नेता आंग सान सू की यहाँ पे को दी गई मानद नागरिकता वापस ले ली है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। अब हम आपको आज का सवाल पूछेंगे, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।